फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम करेंगे विटामिन ई ट्रीटमेंट। स्किन ट्रीटमेंट होती है बहुत ज़बरदस्त सी, जो स्किन ग्लोइंग कर देगा और डार्क स्पॉट्स को भी ख़त्म करेगा और रंग भी फेयर करेगा। तो उससे पहले कि वीडियो में आगे चलें, सब्सक्राइब कर दें अभी चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बार बार यूजफुल वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स विटामिन ई ट्रीटमेंट जो होता है स्किन को ग्लोइंग बना देता है, ब्राइट कर देता है और डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को भी ख़त्म कर देगा। तो उसके लिए हम पहले आप फेशियल कह लें, विटामिन ई फेशियल भी कह सकते हैं इसे। तो ये बहुत ही अच्छा स्किन को ग्लो करता है, डार्क स्पॉट्स को भी ख़त्म करेगा, स्किन वाइटनिंग भी करेगा। तो ये हम तकरीबन 2 स्पून हमने मिल्क लिया है, कच्चा दूध लेके आपने इसमें एक डालना है विटामिन ई का कैप्सूल। ये 200 मिलीग्राम का है, इसमें एक हम ऐड करेंगे, कच्चा दूध लेंगे, क्योंकि ये स्किन पे से पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है और विटामिन ई के साथ मिलके स्किन को ग्लोइंग बना देता है। तो ये एक हम तकरीबन इसमें ऐड करेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हैंड से ही। इस तरह से हम मिक्स करके हैंड से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फेस पे पूरे क्लीनिंग करेंगे इससे, इस तरह से। ठीक है, हम लेते जाएंगे मिल्क को और इसको अच्छी तरीके से क्लींस करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट मसाज करेंगे ताकि अच्छी तरीके से स्किन में पोर्स को क्लीन कर दे और नरम मुलायम करके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। ये देख सकते हैं इस तरह से हमने पूरे अपवर्ड डायरेक्शन में हमने इसको मसाज करना है पूरे फेस का। ठीक है, अच्छे तरीके से पूरे फेस का आप नेक पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसको 4-5 मिनट मसाज करके छोड़ देना है। ठीक है, 5 से 10 मिनट इसको छोड़ दें मसाज करके ताकि अच्छी तरीके से अपना वर्क कर लें। देख सकते हैं कितना ग्लो है इसमें। इस तरह से लेते जाना है, मसाज करते जाना है और फिर इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसको 10 मिनट छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स इसको आप नाइट में इस तरह से करेंगे। ठीक है, नाइट में इस तरह से करके फिर हमने इसको सादे टैप वाटर से वॉश कर देना है। तो फ्रेंड्स इसे मैंने 10 मिनट बाद वॉश कर लिया है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट देख सकते हैं आप। अब हम इसमें ऐड करेंगे, अब हम लेंगे एक बॉल और उसमें लेंगे एलोवेरा जेल और इसमें हम मिक्स करेंगे एक कप ना एवियन का कैप्सूल। ठीक है, इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे। ये इस तरह से हमने इसमें ऐड कर देना है अच्छे तरीके से ताकि ये, और हमने इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, इस तरह से अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि ये हमारी ज़बरदस्त सी विटामिन ई क्रीम तैयार हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से मिक्स करके हमने इसको, ये देख सकते हैं क्रीमी टेक्सचर में आ गई है। तो इसको हमने नाइट टाइम इस तरह से लेके और अपने पूरे फेस पे नेक पे लगा के सो जाना है, मसाज करके अच्छी तरीके से जस्प कर दें इसको। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, स्किन पे से एक्ने को ख़त्म करता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है, डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को ख़त्म कर देगा और स्किन पे जो झुर्रियाँ आ जाती हैं ना, यानी कि रिंकल्स, उन्हें भी ये ख़त्म करेगी। बहुत ही अच्छी क्रीम है, विटामिन ई क्रीम आप इसको कह सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, नाइट ट्रीटमेंट। आप इसे पहले कच्चे दूध में विटामिन ई डाल के मसाज करना है। ठीक है, इसको 10 मिनट छोड़ देना है और फिर वॉश करके और ये क्रीम लगा के सो जानी है। तो ये बहुत ही अच्छा स्किन को ब्राइट कर देगा और स्किन को ग्लोइंग बना देगा, डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स को ख़त्म कर देगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।